हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अतुल कुकिंग सीरीज में। आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से घर पर सेव टमाटर बनाया जाता है, वो भी इंदौर की फेमस सेव टमाटर घर पर ही किस प्रकार से बनाया जाता है। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को अभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और बने रहिए वीडियो पर, हम आपको बताएंगे कि इंदौर की फेमस सेव टमाटर रेसिपी घर पर किस तरीके से बनाई जाती है। तो बने रहिए वीडियो पर, मिलते हैं आपसे वीडियो के एंड पर। सेव टमाटर बनाने के लिए हमने कुछ सामग्री ली हुई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने किसे हुए टमाटर लिए हुए हैं, इस जो कि हमने एक छोटा साइज में टमाटर को किस लिया है। टमाटर को ध्यान रहे ज़्यादा बारीक नहीं किसना है। और इसी के साथ साथ एक स्मॉल साइज हमने प्याज किसा है। और ये भी ध्यान रहे कि प्याज को ज़्यादा बारीक नहीं किसना है, वो थोड़ा सा दरदरे से रहे ताकि सेव टमाटर बहुत बढ़िया तरीके से बनकर रेडी हो। इसी के साथ साथ एक छोटा साइज हमने प्याज का छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। इसी के साथ साथ हमने एक बड़ा सा टमाटर लिया हुआ है जिसके हम मीडियम साइज पीसेस करके अपने सेव टमाटर में यूज़ करेंगे, जो कि हम आपको बताएंगे। इसी के साथ साथ हमने लगभग 80 ग्राम सेव लिया हुआ है। और ध्यान रहे, जब आप सेव टमाटर बनाने के लिए सेव लें तो आप लौंग ही सेव का उपयोग कीजिएगा। सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे सेव टमाटर बनाने के लिए। अब हमने इस पे एक छोटी कढ़ाई ले ली है, जिसे हम एक छोटा साइज तवा भी बोल सकते हैं, जो कि कुकिंग के रूप में यूज़ कर सकते हैं हम। अब इसे 1 से 2 मिनट हम वेट करेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से गर्म हो जाए। हाँ तो दोस्तों, कढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से गर्म हो चुकी है। अब हम इस पे ऑयल मिक्स करेंगे। ध्यान रहे, ऑयल ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि जो हमारे लॉन्ग सेव रहेंगे उसमें ऑलरेडी वह ऑयल पे फ्राई होकर ही बनती है, इसलिए हमें थोड़ा सा ही ऑयल लेना है। लगभग आप मान के चलिए 30 से 40 ग्राम ऑयल ही आप लीजिएगा। अब हम वेट करेंगे तकरीबन 1 मिनट ताकि हमारे बहुत अच्छे से ऑयल गर्म हो जाए। ऑयल बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो चुके हैं। अब हम इस पे लगभग 3 से 4 स्मॉल साइज लहसुन डालकर फ्राई करेंगे। और इसी के साथ साथ एक लाल मिर्च हमने डाला, जो कि तड़के के रूप में बहुत अच्छे से काम करेगा। इसी के साथ साथ हमने एक छोटा चम्मच राई यूज़ किया है अपने तड़के के लिए। इसी के साथ साथ हमने तड़के के लिए एक छोटा चम्मच हमने जीरा यूज़ किया है। अब इसे लगभग 1 से 2 मिनट तक अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। और हाँ दोस्तों, आप इस पर एक तेज पत्ता भी मिक्स कर सकते हैं, इसे मत भूलिएगा। हाँ तो दोस्तों, ये बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। अब हम इस पे जो बारीक साइज प्याज काटे हुए थे उसे हम इसमें मिक्स करेंगे। प्याज को इसमें मिक्स करके अच्छी तरीके से हल्के हाथों से इसे इस तरीके से चलाते रहिएगा और इसे 1 से 2 मिनट तक वेट कीजिएगा ताकि ये अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। प्याज बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब हमने इस पर जो प्याज किसे हुए लिए हुए थे उन्हें इसमें मिक्स करना है और इसे लगभग 2 से 3 मिनट तक इन फ्राई प्याज के साथ किसे हुए प्याजों को अच्छी तरीके से फ्राई करना है। हमने जो किसे हुए प्याज लिए हुए थे वो भी लगभग अच्छी तरीके से ऑयल के साथ और खड़े प्याज के साथ मिक्स होकर फ्राई होकर रेडी हो चुके हैं। अब हम इस पे कुछ मसाले मिक्स करेंगे। जैसा कि हम इस पे लगभग 1/2 चम्मच धनिया पाउडर मिक्स करेंगे, 1 चम्मच मिर्च पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर मिक्स करेंगे, थोड़ा सा 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर मिक्स करेंगे। इसी के साथ साथ हमने जो गिंगर गार्लिक पेस्ट लिया हुआ था 1/2 चम्मच गिंगर गार्लिक पेस्ट मिक्स करेंगे, थोड़ा सा इसमें पानी मिक्स करेंगे और अब इसे अच्छी तरीके से चलाकर मिक्स करके फ्राई करेंगे दोस्तों, ताकि हमारे मसाले अच्छी तरीके से किसे हुए प्याज के साथ मिक्स होकर फ्राई हो जाएं। और जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, इंदौरी सेव टमाटर के लिए हमने मसाले रेडी कर लिए हैं, देख पा रहे हैं दोस्तों। इसे लगभग इसी प्रकार 1 से 2 मिनट तक
हम फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे। हाँ तो दोस्तों, मसाले अच्छी तरीके से प्याज के साथ मिक्स होकर फ्राई हो चुके हैं। अब हम इस पे किसे हुए टमाटर मिक्स करेंगे। इसी के साथ साथ हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया मिक्स कर देते हैं और इसे हल्के हाथों से इस तरीके से मसालों के साथ मिक्स कर देना है और लगभग 2 से 3 मिनट तक इसे हम लो फ्लेम में फ्राई होने देंगे मसालों के साथ, ताकि हमारे सेव टमाटर का एक अच्छा सा फ्लेवर निकल कर आए। किसे हुए टमाटर डालकर फ्राई किया था, वो बहुत अच्छे तरीके से मसालों के साथ मिक्स होकर फ्राई हो चुके हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों। अब हम इस पे जो हमने मीडियम साइज में टमाटर को काट कर लिया हुआ था, एक स्मॉल साइज टमाटर को, उसे इसमें मिक्स कर देंगे। उसे इसमें मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे। अब इसे अच्छी तरीके से चलाने के बाद हम इसे लगभग 2 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, बहुत बढ़िया तरीके से मसाले रेडी हो चुके हैं इंदौरी सेव टमाटर बनने के लिए। अब हम इस पे लगभग 1 से 2 चम्मच दही मिक्स करेंगे। हमने 2 चम्मच दही मिक्स कर दिया है और इसी के साथ साथ स्वादानुसार इसमें नमक भी मिक्स कर लीजिएगा। अब इसे अच्छी तरीके से दही को और नमक को इसमें मिक्स करना है और लगभग 1 से 2 मिनट हमें इसी प्रकार से वेट करना है, ताकि दही अच्छी तरीके से मसालों के साथ मिक्स हो जाए। लगभग 1 से 2 मिनट हो चुके हैं और देखिए दही कितने बढ़िया तरीके से मसालों के साथ मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें लगभग 1 चम्मच टमाटर सॉस मिक्स करेंगे। अब टमाटर सॉस मिक्स करने के बाद इसे अच्छी तरीके से चलाना है और इसे अच्छी तरीके से चलाने के बाद जो हमने लौंग सेव लिए हुए थे उन्हें इसमें मिक्स कर देना है। अब बिल्कुल इसे हल्के हाथों से मिक्स करना है दोस्तों, देख रहे हैं आप, बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरीके से इसे मिक्स करना है और लगभग हम इसे मिक्स करने के बाद 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम में ढक कर रख देंगे। सेव टमाटर हमारे बिल्कुल बनकर रेडी हो चुके हैं, वो भी बिल्कुल इंदौरी स्टाइल में। अगर आप कभी इंदौर आए होंगे तो आपने इंदौर के सेव टमाटर का टेस्ट जरूर चखा होगा, जो कि पूरे इंडिया में आपको ऐसा सेव टमाटर कहीं नहीं मिलेगा जैसा इंदौर में सेव टमाटर मिलता है। ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से सेव टमाटर बनकर रेडी हुआ है। अगर आप भी इसी प्रकार से घर पर सेव टमाटर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और हमारे रेसिपी को फॉलो करते हुए आप घर पे इसी प्रकार से सेव टमाटर बना सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पनीर मिक्स करेंगे। और अब इसी के साथ साथ इसमें थोड़ा सा हम धनिया मिक्स करेंगे, हरा धनिया। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी रेसिपी आपको और कैसी लगी आज की आपको हमारी वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार से आप हमारे चैनल पे बने रहिए और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को अभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।